और एक होता है पशुपति व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर से ले लें और चला दें। इसलिए आप सबके लिए शिव महापुराण से हमने ये पशुपति व्रत को निकाला है, और ये पशुपति व्रत जो करता है पाशुपत्य अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी कराया? हाथ उठाओ जरा। सबने कराया, धर लो वापिस, धर लो, करना चाहिए। करना चाहिए व्रत, व्रत जरूरी है, पशुपति व्रत। अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लगते हैं जम के बोलो जरा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई दे जाए। कितने? छह। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। छह दिए प्रसाद लेकर जाओ, जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया वो लेकर जाओ। जाते से ही सबसे पहले पांच दिए, छह दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से पांच दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो, प्रसाद के तीन हिस्से कर कर जमीन पर रख दो और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो, एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ, राइट हैंड सीधे हाथ की ओर, घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर घर की ओर मुख कर कर दिया प्रज्वलित कर दो, अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो, उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया, किसी के यहां मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकती, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चली गई और व्रत को नहीं कर पाई, अगला कल करना। कितने हैं? पांच। पांचवा व्रत हो 108 या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनकी आराधना कर कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापिस ले आओ, प्रसाद वापिस लाओ, फिर वही दिया पांचवे छठे नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देव अधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा करेंगे, ये निश्चित है। आगे वर्णन आया पाशुपति व्रत का, वर्णन करते हुए भगवान देव अधिदेव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का। मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।